हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके एनसीईआरटी की बुक के ब्लू कलर से जो क्वेश्चन होते हैं, ये पेज नंबर 209 है। उसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देख रहे हैं वन बाय वन। फिलहाल इन 2 क्वेश्चन को देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। देखिए, थ्योरी में आपको पढ़ाया जा चुका है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, 4 फैक्टर्स आपको बताए गए हैं। एक तो बताया गया है लेंथ ऑफ वायर, दूसरा बताया गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, तीसरा आपको बताया गया है नेचर ऑफ मटेरियल या रेजिस्टिविटी, नेचर या फिर आप कह सकते हैं रेजिस्टिविटी, और मैंने एक फोर्थ फैक्टर और बताया था, ये बताया था टेम्परेचर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर। यानी कि हमारे पास 2 वायर हैं, एक तो हमारे पास थिक वायर है और दूसरा हमारे पास एक थिन वायर है। यानी कि पहले वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और दूसरे वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। A1 जो है वो ग्रेटर है किससे, A2 से। ये थिक है और ये थिन है, सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मीनिंग हुआ कि रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, आपको बताना है कि करंट किस में ज्यादा फ्लो करेगा, आपको बताना है किसके बारे में, करंट के बारे में, कि किस में ज्यादा करंट फ्लो होगा। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक और ए थिन वायर, और सेम मटेरियल है, और साथ में कहा गया है व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। सेम सोर्स का मतलब वी दोनों के लिए क्या है, सेम। सेम सोर्स से मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए क्या है, सेम। और यही बताना है कि ऐसा क्यों है। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। करंट के बारे में पूछा है तो करंट V अपॉन R हो जाएगा, यानी कि जो करंट है, देखिए V तो दोनों के लिए सेम है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हुआ किसके, रेजिस्टेंस के, R के। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया गया है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। देखिए, वैसे तो इन्होंने यहां लेंथ की कोई बात नहीं कही है, लेकिन हम यहां पे इसको लेंथ को सेम मान के ही क्वेश्चन को करेंगे। मेटल तो सेम कह दिए गए हैं, थिक और थिन की बात हो चुकी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो चुकी है, लेंथ की कोई बात नहीं हुई है। यानी कि ये आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि लेंथ सेम रखते हुए आपको बात कहनी है। तो यहां आर की जगह आप यूज कर लेंगे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगा रो एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी और लेंथ दोनों की सेम मानी जा रही है, तो इसका फैक्टर भी खत्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो आंसर है करंट विल फ्लो, या सीधा लिख लीजिए, थ्रू थिक वायर, जिसकी थिकनेस ज्यादा है उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। यही हमें बताना था कि किस में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो इस वाले में करंट ज्यादा फ्लो करेगा। आखिर में पूछा है वाई, हालांकि वाई का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं कि जो थिक वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज इट्स
resistance will be less than thin wire. जो thick wire है इस वाले formula से भी आप कह सकते हैं कि जब area of cross section बढ़ेगा wire thick होगा तो उसका जो resistance है वो कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस के कम होने से करंट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा. तो इसका आंसर हुआ द करंट विल बी मोर थ्रू ए थिक वायर बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज लेस. आप इसको यहां तक नोट कर दें. हाँ तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. Let the resistance of an electrical component remains constant. यानी कि यहां पे जो resistance है ये constant है. R तो आपको same बना के रखना है, इसमें कोई change नहीं करना. While the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former. Former का मतलब पहले वाली जो value है. अगर पहले वाली value को मैं V मान लूं तो जो दूसरे वाली वैल्यू है वो पहले से हाफ कर दी गई है. यही कहा इसने डिक्रीज टू हाफ, इसको आधा कर दिया गया है. जबकि रेजिस्टेंस सेम है लेकिन पोटेंशियल को हमने हाफ कर दिया है. व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट. ऐसा करने से इसके करंट में क्या चेंज आएगा. यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि पहले इसका करंट आई था और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है. रेजिस्टेंस आपको सेम रखना है. यानी कि पहले इसका जो करंट था आई उसकी वैल्यू V अपॉन आर थी. अब दूसरी सिचुएशन में आप ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे कि V डैश इक्वल टू नया करंट जबकि रेजिस्टेंस आपका सेम. तो इस बार जो नया करंट हो जाएगा I डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो V डैश अपॉन R हो जाएगा और V डैश की जो वैल्यू कही गई है वो पहले से हाफ कही गई है V अपॉन टू और ये R यहाँ पे है और V अपॉन R जो है पुराने वाला करंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया करंट है उसकी वैल्यू पहले वाले करंट से हाफ हो जाएगी, I अपॉन टू हो जाएगी. तो हमें यही बताना है कि करंट में क्या चेंज होगा. अगर आप रेजिस्टेंस को सेम रखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देते हैं तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. इसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल. क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है या कोई हीटिंग एलिमेंट जैसे कि आयरन्स, यानी कि जो आपकी कपड़ों पे प्रेस करते हैं आप उसकी बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन या फिर टोस्टर की बात करें, मतलब जो चीजें हीट करने में इस्तेमाल होती हैं तो उसमें हम प्योर मेटल ना यूज करके अलॉय का यूज करते हैं. तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्यों किया जाता है. देखिए इसमें एक फैक्टर तो सीधा सीधा ये है कि जो अलॉय होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है प्योर मेटल से. बिकॉज द resistivity of alloys is greater than pure metals. ऐसा आप अपनी बुक में जो resistivity की टेबल दी गई है उसमें देख सकते हैं. तो आपको पता चलेगा कि अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है प्योर मेटल से ज्यादा होती है. अलॉयज के एग्जांपल है आपका निक्रोम, मैग्नी, ये कुछ एग्जांपल है. तो
और आप जानते हैं कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं दो वायर ले लूं सेम लेंथ के, सेम एरिया ऑफ सेक्शन के, एक ले लूं मेटल का और एक ले लूं अलॉय का, तो अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो मैं लिखा बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉयज इज ग्रेटर देन प्योर मेटल, तो आप लिखेंगे सो द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो मोर या ग्रेटर एंड अकॉर्डिंग टू एंड, या फिर आप ये कह लीजिए कि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वायर में करंट के फ्लो का अपोज करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वायर में मूव करेंगे उनके कोलिजन ज्यादा होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है हर्डल। तो जब वायर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में दिक्कतें बढ़ेंगी, कोलिजन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, तो ज्यादा कोलिजन से वायर ज्यादा हीट होगा। हालांकि अभी हीट वाला कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर में नहीं आया, यानी कि इन्होंने जो थ्योरी है वो इसकी पूरी थ्योरी तो बाद में दी हुई है, लेकिन बीच में क्वेश्चन दे दिया है तो हम यहीं पे समझा के चल रहे हैं। मैं आपको ये कह के चल रहा हूं कि अगर किसी वायर में हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें किसी पर्टिकुलर करंट के लिए, करंट को सेम रखते हुए अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, तो ऐसा करने पर उस वायर में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो जो अलॉयज हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इस वजह से वो एक तो ज्यादा गर्म होते हैं, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। दूसरा इसमें फैक्टर ये है कि जो अलॉयज हैं वो हाई टेम्परेचर पे इजिली बर्न नहीं होती। तो अभी पहले तो मैं एक ही बात को समझा रहा हूं कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसमें हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई आप लिखा बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय इज ग्रेटर देन प्योर मेटल, देयरफॉर यहां पे आप लिख लीजिए देयरफॉर द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ग्रेटर, सो इट विल produce more heat। तो एक तो ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और आप इसको हीटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, दूसरा ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉयज is greater than pure metals, pure metal से जो alloys होती हैं उनका melting point high होता है, यानी कि वो easily burn नहीं होती है। Means alloys yeah they don't burn easily, means alloys not burn easily, ये जल्दी ही जो अलॉय के वायर होते हैं वो ऐसा नहीं कि जल जाते हैं, फूक जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। और किसी चीज को जब आप हीट करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर पे ऐसा ना हो कि नॉर्मल वायर मेल्ट हो जाए, तो उसको मेल्टिंग से बचाने के लिए हम
अलॉय का यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है और वो इजिली मेल्ट भी नहीं होता या इजिली बर्न भी नहीं होता। तो आप इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूज द टेबल 12.2 आपकी बुक में या आपकी साइंस की बुक है 10th क्लास की, इसमें एक रेजिस्टिविटी वाली टेबल है। पहले भी मैं आपको ये टेबल दिखा चुका हूं, 12.2 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मटेरियल के नाम हैं और यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यूज दी गई है। तो फिलहाल इस टेबल का यूज करते हुए हमें पहला क्वेश्चन बताना है, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। तो इसके आंसर में आप देखिए, जिस मेटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजिली फ्लो कर जाएगा। तो बेटर के लिए आपको रेजिस्टिविटी कम ढूंढनी है। तो आपको ये दो चीजें देखनी है, एक आयरन और दूसरा मरकरी, इन दोनों में जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वही बेटर कंडक्टर होगा। तो टेबल में हम देख लेते हैं, यहां पे ये हमें आयरन मिला और आयरन की रेजिस्टिविटी 10 × 10⁻⁸ है और यहां नीचे मरकरी आ रहा है और मरकरी की रेजिस्टिविटी जो है ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये भी 10⁻⁸ लिखा हुआ है लेकिन इसमें 94 लिखा हुआ है और उसमें मरकरी और उसमें आयरन में 10 लिखा हुआ है। तो और पावर 10 की दोनों के लिए सेम है तो 94 ग्रेटर हुआ, यानी कि मरकरी की रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है तो मरकरी की कंडक्टिविटी कम है और आपको गुड कंडक्टर ढूंढना है तो आयरन। क्वेश्चन ए का आंसर हुआ आयरन बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज लेस। फिर क्वेश्चन का बी पार्ट है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। इसी टेबल का यूज करते हुए आपको बेस्ट कंडक्टर ढूंढना है। तो बेस्ट कंडक्टर वो होगा जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो टेबल में सबसे कम या सबसे पीक पे देख लेते हैं किसकी रेजिस्टिविटी है, पीक से मतलब कम किसकी है। तो सबसे पहला यहां पे मटेरियल लिखा हुआ है सिल्वर और सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ है। बाकी आप आगे देखेंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे। सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती है, इस वजह से सिल्वर ही सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। तो इन्होंने पूछा है विच मेटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, आंसर है सिल्वर। या के ब्लू कलर से जो 5 क्वेश्चंस थे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे।